हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। So, ladies and gentlemen, please welcome with a great round of applause the greatest comedian of India, Rajiv Thakur उर्फ Raju. हेलो, ये सब क्या है यार? ये बड़ी प्रॉब्लम है बंदे को, इंग्लिश ना आती हो ना तो बहुत प्रॉब्लम है। अभी तो अनाउंस हुआ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन। नहीं नहीं, वो मुझे समझ में आ गया। मैं सोच रहा हूँ लड़की की क्या मजबूरी जो तुम्हें ऐसा बोल रही। वो आज मैं इधर स्टैंड अप करने आया हूँ। अच्छा, तो बीच में नहीं बोलना आज। अच्छा अनुभव भाई, अभिषेक भाई, खुशा, जाकिर भाई, आज इतने इतने बड़े कॉमेडियन मेरा शो देखने आए हैं। ओए, तेरा शो नहीं देखने आए वो। कितने साल की हो गई वो? कौन? तेरी गलत फहमी जो तूने पाल रखी है। तेरा शो देखने आए। तू गुस्सा है जबरदस्ती। देखो, खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, कटेगा क्या? यही जो तू कर रहा है ये कटेगा। यार बीच बीच में बोल रहे हो, ये नहीं सोचते कि दोस्त आया परफॉर्म करने, ऑल द बेस्ट बोल दूं? ऑल द बेस्ट, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई मुझे बोलना है, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। उनको सुनना है, वो सुन रहे हैं। ये जो आप बीच बीच में बोलते रहते हो ना, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। क्या? एक शो बनाओ, द कपिल शर्मा शो, और उसे सोनी टीवी बेच दो। तो चल ही रहा है, 10 साल हो गए। तो भाई जब 10 साल से तुम्हारा चल रहा है। 10 मिनट तो चल रहा है। ये ले, इधरा, ये कोई भी आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो उससे पूछना कि ये कैसे कटता है, इसको खाना। भाई तुम ही रख लो, तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हमारा रिश्तेदार। वाह, ठाकुर छा गया आज। यार मुझे शो करने में चालू कर लूं जरा। हाउ मेनी पंजाबी इन द हाउस? तू डीजे? हाउ मेनी पंजाबी इन द हाउस? ये क्या बात हुई? इसीलिए बोला कभी कभी ओपन माइक पे आया करो। हमारा क्लोज एनवायरनमेंट में चल रहा है। यार कपिल शर्मा एक बात बताओ, तुमसे पहले का मैं टीवी कर रहा हूँ और ऐसे बोलते अच्छे लगते तुम मेरे को? ये परा जाकिर भाई, ये बंदा एक्चुअली मेरे से पहले का टीवी कर रहा है। हाँ। पर ये है बड़ा ग्राउंडेड, इतना लो प्रोफाइल रहता ना, काम ही ऐसा करता है कि मजाल कोई पहचान जाए। मुझे भी लगा कि बॉलीवुड है नहीं मेरे लिए, वैसे भी मेरी लुक थोड़ी सी तो हॉलीवुड के लिए है। जेम्स बॉन्ड की पहली फिल्म देखना। हाँ। उसमें जो उसने शूज पहने ना, आप इसके नाक में लेसिस डाल दो। कह लो और, कह लो और कुछ? मैंने नहीं कहना यार, हमारा क्या अच्छी बातें चल रही थी। आज मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैंने उस दिन जवाब देना जिस दिन मैं ओटीटी पे आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ना थोड़ी बोलने की फ्रीडम है, टीवी पे ना बहुत सी बातें बोल नहीं सकते। ये लोग भी इसीलिए चुप बैठे हैं क्योंकि टीवी बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकते, तुम्हें इसलिए कुछ कह नहीं रहे। भाई आज कॉमेडियंस की इंटरव्यू ले रहा है। हाँ। है ना, ये तो अभी अभी मशहूर हुए हैं। हाँ। मैं 15 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरी तुमने कभी इंटरव्यू ली? पर ये मशहूर हो गए ना उस हिसाब से। दोस्ती नाम की कोई चीज होती है? उसी के चलते तू आ जाता है हर बार। अरे यार नहीं, नहीं, मेरी बात सुन, पता क्या है, देख दोस्ती के नाम पे एक बार मेरी इंटरव्यू कर तो सही। बैठ जाओ, जगह ही नहीं है एक्चुअली, जगह ही नहीं यार। अरे बैठ जाओ, कभी तो बैठ के देख लो, अपने से तो नहीं आ रहा। तो राजू जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। बहुत बढ़िया। शादी का जो आपको प्रोग्राम मिला है सर्विस करने का, वो कर रहे हैं कि इसके बाद करने जाना है? ये सवाल बचे मेरे लिए। एक बार में कितने स्नैक्स डिलीवर कर देते हैं? यार ऐसे करके दर्द नहीं होता बहुत देर? नहीं, कहने को तो वकील भी कह सकते थे पर वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। आपको देख के यार उनसे तुम इतने अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हो कि आपका वीडियो आया, कब आया, वायरल कैसे हुआ, कोई ऐसे सवाल मुझसे पूछो ना, ये क्या प्लेट ऐसे हुई, ये क्या? वीडियो वायरल हुआ तो उनके हुए, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको जो पिछले महीने वायरल हुआ था वो क्यों हुआ था? तालाब में नहाने की वजह से हुआ था? पता क्या है, इसको आते फिल्मों वाले सवाल। YouTube के मैं बताता हूँ कैसे। जैसे आप लोगों का
वीडियो बनाते हो, आप डालते हो, है ना? ठीक। तो वीडियो डालते हो, उसके नीचे जब कमेंट आते हैं उसमें जो कभी कभी गालियां आती हैं, उनका क्या करना होता है? वो तेरे अकाउंट पे आती है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत बहुत सीनियर आदमी, पर बिल्कुल यही आया था मेरे मन में जो। अच्छा, हैरानी की बात यह है, फॉलोअर 16 है, गालियां 175 आ जाती है। तो ये भी अपने आप में ऊपर वाले की कृपा है। You have been the lovely audience, and this was my lovely time, which you wasted. Thakur, यार तू ऐसे, यार मेरा भाई कप्पू शर्मा भाई, आपको पेमेंट, इसको अपना असली टैलेंट पता ही नहीं है, नहीं तो इसके जैसी फुट मसाज। और कुछ? मैं क्या सिक्योरिटी बुलाऊं फिर? अभी तू हट नहीं रहा? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा फायदा नहीं। मैं सच में बहुत खुश हूँ इन सबसे मिलकर, बहुत बहुत ज्यादा। आप बैठ के भी मिल सकती हैं वैसे। थैंक यू वेरी मच। राजू के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू। आप सब अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हैं, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स निकाल लिया, आपको दिखाना चाहता हूँ। साकिर भाई, आपको यहाँ पे आना है? जी। हम दोनों ने हॉस्टल में बस यही डिस्कशन किए हैं 5 साल। ये सोसाइटी, ये फैमिलीज, ये लाइफ, ये रिलेशनशिप्स, ये बुक्स, ये मूवीज, ये स्टैंड अप्स, ये दोस्ती एक्सेट्रा, ये लास्ट ईयर की फोटो है। दोनों ही कुछ नहीं थे, इस दरवाजे का खुलना बाकी था। शायद जो बीच में है हमारे, आज मिलते हैं तो डिस्कशन सेम होते हैं, बस अब बीच बीच में बोल देते हैं, याद है ये बात तब हुई थी, किस्मत ने ये दरवाज़ा खोल दिया, उसका शुक्रिया, इसे टैग नहीं करूँगा, बड़ा आदमी है अब ये। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। पीजी में रहने की यही प्रॉब्लम, अगर एक की गर्लफ्रेंड आई हो तो बाकियों को बाहर खड़े रहना पड़ता है। और दिखाइए भाई, एक बार दरवाजा खटखटा के देख लो, कई बार बाथरूम में बैठा इंसान सिर्फ फोन पे बिजी होता है। रिप्लाई है, बगल वाले भैया को देख के ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और लगी इनका तो इनका काम खराब हो जाएगा। भाई मैंने भी अपने दोस्त के साथ मेमोरेबल फोटोज संभाल के रखी हुई हैं, अब बस मैं उसके फेमस होने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ मेहनत ही नहीं करता। और दिखाइए, जाकिर ने फोटो डाला, सब कुछ मीठा नहीं होता, कड़वी घूंट भी पीनी पड़ती है, दोस्ती की कहानी सुनाने के लिए निभाने की कहानियां जीनी पड़ती हैं। वाह, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। जाकिर भाई इन दोनों को कन्विंस कर रहे हैं, तीनों ऑटो में चलते हैं, किराया कम लगेगा। एक्चुअली बात तो यही, इसमें तो हो सकती है तो बात तो कुछ नहीं है। कपड़े देख के लगता है हाफ शर्ट वाले की कॉर्पोरेट जॉब है, और ये दोनों उधार मांगने आए हैं। ऐसे तो फिर जाकिर भाई के कपड़े देख के कहोगे वो शिला जी तो अश्वगंधा बेचने आए हैं। सारे कॉमेंट सच है। और दिखाइए, ये वही सिंगल लोग हैं जो पार्क की झाड़ियों में बैठे कपल्स को परेशान करते हैं। और दिखाइए, 1 मिनट आई फील, नेक्स्ट मिनट आई ऑल्सो फील 95% ऑफ माई क्लोथ्स आर। अच्छा, ये वो सब, हाँ, कैप्शन बड़े कमाल के लिखती हैं लड़कियां। बहुत बार मेरे कपड़ों पे टैग्स लगे होते हैं, लोग कहते हैं दीदी टैग तो हटा लो कम से कम, छुपा लिया करो टैग को। बट जब आप कपड़े ट्राई कर रहे होते हैं, आप सोर्स करते हैं, तो टैग्स लगे रहते हैं, तो हम रियल है ना इंस्टाग्राम पे, हम इतना सोचते नहीं है, वी डोंट। अर्शन जी आप भी रिमूव मत किया करो टैग, कोई बात नहीं। अब तू भी सोर्स करवाता है, तेरा टैग तो मतलब अच्छा लगता है। आज के कपड़े सोर्स्ड है कि नहीं? हाँ, सोर्स्ड है। आज ये हाँ, है। बिल्कुल। मेरे कुछ सोर्सेज से मैंने ये सोर्स करवाया। नीचे कमेंट देखते हैं, जब रील पे मन चाहे लाइक्स ना आए। इट्स ट्रू। ड्रेस के कपड़े का सोफा बना दिया, और सोफे के कपड़े का ड्रेस। ये मेरे घर का पर्दा था। इनका टीवी का रिमोट सोफे के अंदर घुस गया है, उसी को हाथ डाल के निकाल रही है। हील ज्यादा लंबी ले ली, अब चला नहीं जा रहा। कुशा सीरियसली मेरे को एक बात पूछनी है, जो लड़कियां इतनी लंबी हील पहनती हैं, अनकंफर्टेबल नहीं होता उससे? अनकंफर्टेबल होता है, पर हम साथ में चप्पल लेके चलते हैं, हम बहुत स्मार्ट हैं। ये बात कभी मुझे हीरोइनों ने नहीं बताई आज तक। अच्छा। कितनी अच्छी ऑनेस्ट लड़की हो तुम। मैं हीरोइन हूं भी नहीं तो मैं बता सकती। और दिखाइए, बालों की ग्रोथ ज्यादा ही तेज हो रही है, क्या है ये मन्नू, क्या क्यों किया ऐसा? ये एक विग मिली थी, पहन ली। वैसे तो बिकनी भी मिलती, वो भी पहन लेते।
और बहुत मनहूस लग रहा है, तुमने देखी नहीं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं क्या ऐसे लंबे बाल वालों को क्या विदेश में दोस्त जल्दी मिल जाते हैं? दोस्त का पता नहीं भाई, लेकिन खाना तो मिल ही जाता है। इनके बालों की ग्रोथ देख के लग रहा है ये यमुना पार से पैदल चल के विदेश पहुंचे हैं। और दिखाइए। ओ यार, क्यों ढूंढ लिए? मैं भी कल अंधेरी स्टेशन पे एक सिमरन के पलटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो पलटी तो सिमरनदीप निकला। और देखते हैं, बस्सी साहब ने फोटो डाला, सोचा एक फोटो तो डाल दूं एम्स्टर्डम में, मजे आ रहे हैं गाइस फुल। कमेंट्स दिखाइए नीचे। ऐसे फोटो तो इंसान रिश्तेदारों के लिए डालता है, विदेश की असली फोटो तो दोस्तों के ग्रुप पे डालता है। आप एम्स्टर्डम जाकर भी एक ही फोटो डाल रहे हैं। मेरे चाचा का लड़का अलीगढ़ गया था, उसने अलीगढ़ डायरीज बोल के 150 फोटो डाल दी। और दिखाइए, जाकिर भाई ने फोटो डाला है, हैड अ सुपर फन टाइम चैटिंग विद द लेजेंड मून स्टार अक्का बबीता जी। तो सिंगल ही हैं फिर आप? आइए नीचे कमेंट देखते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं इन्होंने ये जैकेट और जीन्स सिर्फ बबीता जी से मिलने के चक्कर में खरीदी है। बबीता जी से मिलकर जेठालाल इतना लाल नहीं हुए जितना जाकिर लाल हो रहे हैं। और दिखाइए, Why be खोखला when you can be ढोकला? पूरी जिंदगी इसके पीछे कवि की क्या मंशा है, कवि क्या कहना चाहता है? ये कैप्शन नहीं, खुद ही कमेंट लिख रही थी वहां पे। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पड़ोसन को बहाने से अपनी साड़ी का डिजाइन दिखाते हुए किसी ने कहा येलो मेरा फेवरेट है, पहले येलो की स्पेलिंग सही लिखे। येलो आप ऐसे खिड़की पे मत खड़े रहिए, बाहर सब्जी वाले की पूरी सब्जी बिक गई फिर भी चिल्ला रहा है सब्जी ले लो सब्जी ले लो। बिल्डिंग सेक्रेटरी लिखा नीचे। और दिखाइए, जिंदगी बस दो घड़ी की है। अच्छा, दो घड़ियां, ये कहाँ की फोटो है अभिषेक? ये मुंबई की है। घर की फोटो है? सी फेसिंग है, होटल की है। अच्छा, पर आप तो कब मुंबई में घर है ना? हाँ, रहने नहीं देते उधर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये इतने वेले हैं, दोनों घड़ी में देख रहे हैं पहले 12 किसमें बजेंगे। कोई कहता है जिंदगी दो घड़ी की है, कोई कहता है जिंदगी चार पल की है, कोई कहता है जिंदगी बहुत छोटी है, कोई कहता है जिंदगी बहुत बड़ी है। बस यही सोचते सोचते मैं 65 का हो गया, अब समझ में आया जिंदगी झंड है। बहुत बढ़िया है। और देखो, यही फोटो की बात कर रहा था मैं, बताओ कौन सा प्लॉट खाली करवाना है। आइए देखते हैं नीचे कमेंट। भाई मकान ही खाली करवाते हो या सामान भी शिफ्ट करवा देते हो? वाह साबा। आपके हर पोस्ट में कैप्शंस बड़े फनी फनी से होते हैं, आप कॉमेडी वगैरह क्यों नहीं करते? और दिखाइए, बस खत्म। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.